मथुरा उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की आज केंद्रीय कमेटी की मथुरा में हुई बैठक। कमेटी की बैठक में पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की मथुरा में एक बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि जेल उप महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय रहे, जिनका कमेटी के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और उत्तर प्रदेश की जेलों में समिति द्वारा किए गए सराहनीय कार्य और भविष्य में किए जाने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई तथा आगे की रणनीति बनाई गई। इस पूरे कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय बैठक थी। इससे 3 दिन पहले केंद्रीय कमेटी और आम सभा की वर्चुअल मीटिंग कर ली गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के सचिन गुप्ता जी का कोरोना की वजह से आकस्मिक निधन हो गया था। उनका पद रिक्त चल रहा था। उक्त पद पर रामपुर से जी के पाठक का सर्वसम्मति से चयन किया गया था। उसके बाद केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी जो कि नए बनाए गए हैं, उनको समिति के नियम अनुसार शपथ ग्रहण कराई जानी थी। इसी को देखते हुए आज मथुरा के होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि जेल उप महानिरीक्षक मुख्यालय शैलेंद्र कुमार मैत्रेय रहे, जिन्होंने समिति द्वारा उत्तर प्रदेश की जेलों में समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य में भी समिति से कैदियों के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए आग्रह किया और समिति के चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया? आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की आज केंद्रीय बैठक की है। इससे 3 दिन पहले केंद्रीय कमेटी और आम सभा की वर्चुअल मीटिंग कर ली गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के प्रांतीय सचिव मयंक गुप्ता जी थे, उनका कोरोना की वजह से और उनकी पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया था। पद भी रिक्त चल रहा था। उस रिक्त पद पर रामपुर से श्री जी के पाठक जी का मनोनयन सर्वसम्मति से किया गया था। उसके बाद क्योंकि केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी जब नए आए हैं और 2-3 बदले भी गए हैं, क्योंकि समिति के नियम के अनुसार 30% जितने भी सदस्य होते हैं हर साल बदले जाते हैं, और जिसकी सूचना किसी का निधन हो जाए या रिक्त पद हो जाए तो 14 दिन के अंदर मुख्यालय और रजिस्ट्रार ऑफिस और राजभवन को देनी पड़ती है। यह विधिक नियम भी है। इसी के उपलक्ष्य में आज केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई थी और उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह किया गया था, जिसमें DIG कारागार मुख्यालय मुख्य अतिथि थे और सभी लोग यहाँ पर सेंट्रल कमेटी के मेंबर ही केवल उपस्थित हैं। जिस तरह से समिति द्वारा कोरोना काल में कार्य किए गए, आगे भी किसी तरह की रणनीति पर समिति द्वारा विचार किया गया है? जी, आगे भी हम अभी जैसे DIG साहब ने कहा था कि ऐसे भी बंदी कारागारों में बंद हैं जिनका कोई जमानतदार नहीं है, तो अभी हम अधिवक्ता जितने भी हैं और अधिवक्ता जुड़े भी हैं उनका एक पैनल बना रहे हैं। वो लीगल और विधिक सलाह देंगे और उन्हीं के द्वारा समिति एक वैधानिक कार्यवाही कार्यवाही करेगी, जिससे हम उनकी जमानत ले सकें और उन्हें खुली हवा में सांस मिल सके और अपराध कम हो सके, क्योंकि समिति का उद्देश्य अपराध रोकना है। अपराधी अगर कोई अंदर से बाहर आया है जेल में से निकल के, उसको दोबारा अपराधी बनने से रोकना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।